कोलोराडो का ट्रिप प्लान कर रहे हो, रोड ट्रिप डेलस से कोलोराडो, और कोलोराडो स्प्रिंग्स में क्या क्या देखना है, कहाँ खाना है, इंडियन फूड कहाँ पे अच्छा है, कौन कौन से पिट स्टॉप्स हैं, क्या टिकट कॉस्ट है, कितना खर्चा आएगा आपको रोड ट्रिप का डेलस से कोलोराडो स्प्रिंग्स का। तो चलिए हमारी कोलोराडो की ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप डेलस से ये रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो पहला स्टॉप होगा वो होगा एमरिलो में, क्योंकि आप 6-7 घंटे की ड्राइव करने के बाद आप जब टेक्सस से स्टार्ट करोगे डेलस से, तो आपको 6.5-7 घंटे लग जाएंगे एमरिलो पहुँचने में। तो एमरिलो में आप अपने लिए एक एयरबीएनबी बुक कर सकते हो, वहाँ पर एक रात रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ से आगे आपको और 5 घंटे लगने वाले होते हैं कोलोराडो में एंटर करने के लिए न्यू मैक्सिको से होते हुए। तो इस व्लॉग में मैं आपको वो डिटेल्स दे दूँगी कि हम किस एयरबीएनबी में रुके थे और उसका रिव्यू कैसा था। तो आप आराम से जब डेलस से स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर करो कि थोड़ा टाइमली स्टार्ट करो ताकि आप वहाँ पे शाम को पहुँच जाओ। ये वो एयरबीएनबी है जहाँ हम रुके थे, तो काफ़ी अच्छा एयरबीएनबी था, इसकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप एक रात एमरिलो में रुक रहे हो तो एमरिलो से जब आप नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैडिलैक रैंच है, वहाँ बीच में एक पिट स्टॉप ये भी है कैडिलैक रैंच, यहाँ पे आप आ सकते हो। हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, कॉर्न फील्ड है और उसके बीच में ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह के लिए टूरिस्ट रुकते हैं, बाकी आपका ज़्यादा टाइम ये जगह लेगी नहीं, ये आप इंक्लूड कर सकते हो अपने ट्रिप में। और इसके लिए कोई डाइवर्जन भी नहीं लेना है, दिस इज़ ऑन द वे। और इस रोड जर्नी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि कैसे धीरे धीरे जो टोपोग्राफी है वो चेंज होती है, टेक्सस की जो टोपोग्राफी है वो किस तरीके से चेंज हो जाती है न्यू मैक्सिको में जाके, और जो न्यू मैक्सिको के बाद कोलोराडो में आप एंटर करते हो तो वहाँ पे टोपोग्राफी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो ये काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है रोड ट्रिप आपके लिए। तो जब आप कोलोराडो स्प्रिंग्स पहुँचोगे तो वहाँ पर जो सबसे फेमस जगह है घूमने के लिए वो है गार्डन ऑफ गॉड्स। और सबसे खुशी की बात ये है कि वहाँ पर कोई टिकट वगैरह नहीं है, क्योंकि उसके जो ओनर थे उन्होंने अपनी विल में ये लिखा था कि उनके जो बच्चे हैं आगे जो जनरेशन है वो पब्लिक के लिए इस प्लेस को एकदम फ्री रखे, फ्री ऑफ कॉस्ट रखे। तो आपको वहाँ पे कोई टिकट नहीं लगेगी, तो आप टाइमली वहाँ पे पहुँच सकते हो। क्या टाइम है वहाँ का, कितने से कितने टाइम तक वो ओपन होता है, वो सब डिटेल्स तो आपको कैप्शन में मिल जाएगी। वो दिखा रहे ऊपर से 8 PM। तो आप वहाँ पे अंदर कार लेके जा सकते हो, तो आपको पैदल भी आप वहाँ पे जा सकते हो, साइकिलिंग से भी जा सकते हो, बट अगर आप बच्चों के साथ हो तो मेक श्योर करना कि आप कार के साथ जाओ, क्योंकि कार वहाँ पे हर व्यू पॉइंट और हर लोकेशन तक पहुँचती है। तो आप आराम से वहाँ पे कार के साथ उस जगह को नेविगेट कर सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो। तो ये एक बहुत ही प्यारा स्टॉप है जो आपको अपनी ट्रिप में इंक्लूड करना ही है अगर आप कोलोराडो स्प्रिंग्स जा रहे हो तो। अदरवाइज़ कोलोराडो स्प्रिंग्स में और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप देख सकते हो। कैसे हाय, कैसे हाय, कायू क्या है,
तो दूसरी लोकेशन पे जाने से पहले हमने हमारा जो लंच था वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में किया कोलोराडो स्प्रिंग्स में। तो कोलोराडो स्प्रिंग्स में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। हम जिस इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे उसका नाम था जायका इंडियन कुजीन। और भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जायका जो है वो भी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही टाइप की डिशेज़ ऑर्डर कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमने पहले यहाँ पर अपना लंच किया कोलोराडो स्प्रिंग्स में और फिर हम निकल गए पाइक्स पीक के लिए। तो जो पाइक्स पीक है ये जाना जाता है अपनी हाइट के लिए, अपने एल्टीट्यूड गेन के लिए। ये 14,000 फीट पीक है, जहाँ पे आप जब जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि एक बहुत ही सडनली यहाँ पे आप हाइट गेन करते हो, एल्टीट्यूड गेन करते हो। तो पाइक्स पीक की तरफ जाते हुए आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे लोकेशंस मिलेंगे। क्रिस्टल रिजर्वायर मिलेगा, बिग फुट का एक स्टैचू मिलेगा और बहुत प्यारी प्यारी माउंटेन पीक्स के व्यू मिलेंगे। जो अभी आप सामने देख रहे हो वो भी पाइक्स पीक है, जहाँ पे हमें ड्राइव करके जाना है। तो वहाँ के लिए भी आप मेक श्योर करना कि टाइमली आप निकल जाओ, क्योंकि आपको तकरीबन 2 घंटे तो वहाँ पे ड्राइव करके पहुँचने में ही लगेगा जब आप स्टार्ट करोगे कोलोराडो स्प्रिंग से। तो जब आप पाइक्स पीक पहुँचोगे तो कुछ चीज़ों का वहाँ पे आप ख्याल रखना। जगह बहुत खूबसूरत है, लेक और जो व्यूज़ हैं वो बहुत प्यारे आएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप सडनली 14,000 का जो एल्टीट्यूड गेन करोगे उसकी वजह से आपको माउंटेन सिकनेस हो सकता है और थोड़ा डिजीनेस या फिर थोड़ा सा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो उसके लिए आप ये मेक श्योर करना कि हर पिट स्टॉप पे थोड़ा थोड़ा रुक के अपनी बॉडी को आप अक्लेमेटाइज़ होते हुए वहाँ पे जाओ। अपने साथ खाने की चीज़ें ज़रूर लेके जाना और साथ ही साथ पानी वगैरह भी आप अपने पास रखना, क्योंकि ये जगह जो है ये थोड़ी हाइट की वजह से लोगों को तबीयत वगैरह की यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। जो पाइक्स पीक की टिकट हैं वो आप ऑलरेडी बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल के भी आप टिकट बुक कर सकते हो, आप पर हेड भी आप टिकट बुक कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर सब लोग एक ही कार में हो तो व्हीकल के लिए आप पर व्हीकल का टिकट ले सकते हो, वो सस्ता पड़ता है आपको, तो वो लेके आप जा सकते हो। आपको रिजर्वेशन करना होता है, तो मेरे ख्याल से $2 या $3 में आपको अपना रिजर्वेशन वहाँ पे कर सकते हो और अपना गाड़ी का जो टिकट है वो ले सकते हो। आप जब वहाँ पे पहुँचते हो तो थोड़ा पानी या फिर कुछ खाने की कोशिश करना, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज हो जाए प्रॉपरली। वैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद भी जो उनका सेंटर है पाइक्स पीक का ऊपर, वहाँ पे आपको आराम से बहुत सारी चीज़ें खाने की मिल जाएंगी। और साथ ही साथ पाइक्स पीक पे पहुंचने का एक और तरीका है, वो है ट्रेन जर्नी। तो ये नीचे मनीतू स्प्रिंग करके एक प्लेस है, वहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है। तो ये 2 से 4 घंटे टू एंड फ्रो लेती है ये ट्रेन, तो आप आराम से उसकी टिकट्स बुक कर सकते हो और आप ट्रेन से भी वहाँ आ सकते हो। हम लोग अपने खुद के व्हीकल से गए थे, लेकिन मैंने सुना है कि ट्रेन जर्नी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं उसमें भी, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो चाहे आप कार से जाओ या फिर आप ट्रेन से जाओ, आप जब एक बार ऊपर पहुँच जाते हो तो सडन हाइट गेन होता है और तब आपको करना होता है थोड़ा सा एक्लिमेटाइज। तो वहाँ पे इनका जो सेंटर बना हुआ है पाइक्स पीक का, आप वहाँ पे जाके आराम से अपने लिए कुछ हॉट कॉफ़ी या हॉट चॉकलेट या स्नैक्स या कुछ ना कुछ आप खाओ, थोड़ी देर वहाँ पे बैठो, बच्चों के साथ अंदर थोड़ी देर रहो, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए उस हाइट पर, आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए। उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो, आप देख सकते हो कि कैसे व्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक एपिक ट्रिप होने वाली है। होप आप सबको ये जो व्लॉग है हमारा ये पसंद आ रहा होगा। ये पार्ट 1 है, जिसमें मैंने कोलोराडो स्प्रिंग्स में आप क्या क्या देख सकते हो और कहाँ कहाँ पे रुक सकते हो। मैं कोलोराडो पार्ट 1, इसके बाद हम जाएंगे डेनवर और वहाँ से रॉकी माउंटेन, जो होने वाला है पार्ट 2 की, आप रॉकी माउंटेन में क्या क्या कर सकते हो कोलोराडो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।